नमस्कार, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिव शुक्ला। उन्नत कृषि तकनीक के प्रसार के लिए आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द मिलियन फार्मर स्कूल 3.1 का शुभारंभ किया है। इस किसान पाठशाला को प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में शुरू किया जाएगा। द मिलियन फार्मर्स स्कूल का उद्देश्य एक बार में प्रदेश के 10 लाख कृषकों को प्रशिक्षित करना है। तो वहीं आपको बता दें कि किसान पाठशाला में खरीफ और रवि सीजन को ध्यान में रखते हुए जरूरत के हिसाब से किसानों के लिए मुख्य फसलों की उत्पादन तकनीक, रोग कीट नियंत्रण कृषि, विधिकरण, जैविक खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, औद्योगिकी आदि को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ पाठ्यक्रम में शामिल विषयों को विस्तार और सरल भाषा में छपवा कर 10 लाख से ज़्यादा किताबें किसान पाठशाला के दौरान किसानों को मुफ्त में बांटी जाएंगी। आपको बता दें कि रबी 2017-18 से लेकर अब तक किसान पाठशाला के 4 संस्करण आयोजित हो चुके हैं, जिनमें कुल 60,000 से ज़्यादा अधिक ग्रामों में पाठशालाओं का आयोजन कर 42 लाख से ज़्यादा किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तो वहीं किसान पाठशाला के आज से शुरू हुए 5वें संस्करण के तहत 15,366 गाँवों में 10 लाख से ज़्यादा किसानों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। रबी सीजन में फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लक्ष्य से बिहार सरकार ने कृषि जागरूकता महाअभियान शुरू किया है। रविवार को सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस महाअभियान के लिए जागरूकता रथों और बीज विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के गांव और टोलों के लिए रवाना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि इस अभियान में हमने 2 तरह से रथों को रवाना किया है। पहले रथ का उद्देश्य है कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार के कामों से अवगत कराना और दूसरे का उद्देश्य रबी फसलों के लिए सही बीज की जानकारी और उपलब्धता किसानों को उपलब्ध कराना। इस मौके पर उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। जहां एक तरफ कृषि में आए दिन किसानों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में इन दिनों बाढ़ के बाद किसानों को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस समय बिहार के चंपारण के बगहा के आसपास के किसान नील गायों के आतंक से काफ़ी परेशान हैं। आए दिन दर्जनों की संख्या में ये नीलगाय किसानों के खेत में जाकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते किसानों ने कई बार वन विभाग से शिकायत भी की है। हालांकि उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। वहीं बगहा के किसानों की माने तो उनका कहना है कि किसानों को अपने पैसे खर्च कर और मेहनत कर खेतों में फसल उगाना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ फसल के बड़े होते ही नीलगायों का झुंड आकर उस फसल को बर्बाद कर देता है, जिसके चलते ना तो कोई फसल बढ़ पाती है और ना ही तैयार हो पाती है। ये परेशानी इस समय बगहा अनुमंडल के करीब करीब सभी गांवों में है। जंगल के पास की वजह से किसानों को रामनगर प्रखंड की हजारों एकड़ जमीन पर लगी फसल अब तक तबाह हो चुकी है। यही नहीं, इन जानवरों से किसानों के साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी डर लगता है कि ना जाने कब वो उन्हें क्षति पहुंचा दें। हालांकि उसके बाद भी वन विभाग किसानों की बात नहीं सुन रहा है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इसी तरह आप हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।